तो फैमिली हम लोग रात को आ गए हैं, बज रहे हैं 12:52 और वहाँ पे जो माचो है माचो खाना खा रही है। और यहाँ पे बच्चों को अलग से दिया क्योंकि उसके साइड में उसके अंदर ये जाते हैं तो वो काटते हैं इनको। तो अभी आ गए, ये देखो पूरा चिकन राइस और सूप है, तीनों भी मिक्स डाला हुआ है। वीडियो में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा बड़ा पतीला लेके आऊंगी कल से, तीनों का मुंह घुस नहीं रहा है। तो फैमिली ये थोड़े दिन पहले एक पर्सन हमें मिले थे तो उन्होंने ये पैकेट आज दिया है इनको, छोटे पपीज को। पपीज मतलब पपीज का नहीं, अडल्ट का ही है, तो इनके मम्मा के लिए है। तो ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा योगदान करते रहना चाहिए, सही है। और खा भी रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खा नहीं रही है। अभी उसको फिलहाल चिकन डाला हुआ है मैंने, चिकन और राइस। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया था टेस्टिंग के लिए कि ये खा रही है कि नहीं खा रही, तो खा तो रही है। तो थैंक यू सो मच। और दूसरी कि आप भी ऐसे ही दूसरों की हेल्प कीजिए, इंसानों को नहीं यार, बेजुबानों के लिए करो। इनकी दुआओं में बहुत असर होता है। हाय, ये मेरा वीकू है। वीकू, इसको वीकू वीकू रख दूँ क्या? इसका नाम वीकू, मैं सोच रही हूँ, थोड़ा वीक है ना, नहीं तो शेरू रख देती हूँ। शेरू बोल बोल के ना एकदम शेर जैसा हो जाएगा। अरे सारे कैसे प्यार कर रही है, देखो इनको, इनको स्मेल आ गई देखो। बट इनको दे नहीं सकते क्योंकि ना ये अडल्ट वाला है एक्चुअली, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अडल्ट का, तो इनका भी फिलहाल दे नहीं सकते। अभी इनका जो राइस वगैरह वहाँ पर कहाँ गया, पतीला ही गया गायब, और यहाँ पे रखा हुआ है चिकन राइस। तो स्मेल तो आ गई है, खाना है बच्चों को बट नहीं दे सकते क्योंकि अडल्ट वाला है। और दूसरी बस इतना ही आज की वीडियो में, बाय बाय। बात बोलनी थी फैमिली की, जैसे अभी इन्होंने ये हेल्प किया ऐसे फूड वगैरह लाके, है ना, तो ऐसे दिया करो, किसी को पैसे मत दो क्योंकि पता नहीं कौन कैसा कैसे उसका यूज़ कर रहा है पैसों का। अगर किसी को आपको मतलब मदद करनी है तो ऐसे फूड वगैरह दे के इंसानों की मदद करो, ताकि इन बेजुबानों को हमें भी पता चले कि भाई इंसान तो कुत्ते का फूड खाएगा नहीं, है ना, आया है काट रहा बहुत जोर से, इंसान कुत्ते का फूड तो खाएगा नहीं। तो पैसे देने के बजाय आप ऐसी चीज़ें डोनेट करो और उसके, अरे इसकी माँ का खा लिया, इसने निकाल दिया। खा रहे हैं खाते। तो ऐसे ही पैसे कभी किसी को मत दो, कोई भी बोले ना यार 50 रुपये दो, 5 रुपये दो, हमारे लिए 50 रुपये 5 रुपये ज़्यादा नहीं है, पर हाँ जो तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग होते हैं उनके लिए 5-50 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक इंसान ने 50 रुपये किए, हमारे 10 जो उन्होंने किए, उनका दिन का 1000-2000 कहीं नहीं गया, ठीक है। तो ऐसे करने से अच्छा आप ऐसी चीज़ें डोनेट करो, भले ही आपकी जितनी कैपेसिटी उतना करो, 1 kg कर दो, 5 kg कर दो, जितना आपका बजट है उतना करो, पर पैसे मत दो, डायरेक्टली चीज़ें दो ताकि ये चीज़ें यूजफुली हो सके। और सेकेंड थिंग कि अगर आप पैकेट दे रहे हो ना सामने वाले को, तो उसको ओपन करके थोड़ा सा ओपन करो, उसके सामने जब देते समय दो ना उसको, तो उसको थोड़ा सा ओपन करके दो ताकि वो किसी को ये ना कर सके, मतलब किसी शॉप पे जाके उसको दे के पैसे ना ले सके, ठीक है। थोड़ा सा ओपन, ये देखो ये कैसे खींच खींच के लेके आ रहे हैं, ये झगड़ा कर रहा है मेरे साथ, बाप रे। तो ऐसा कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा, इन्होंने मुझे ओपन करके नहीं दिया था, इन्होंने ऐसे ही दे दिया था, बट मैं इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को दे रहे हो ना, तो उसको ओपन करके दो डायरेक्टली थोड़ा सा इतना सा, ताकि वो ना किसी शॉप पे जाके मतलब उसको ये ना कर पाए, जोड़ ना पाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ दे देते, फिर बाद में शॉप में जाके क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वहाँ पे जाके थोड़े कम पैसों में जाके बोलते हैं कि हाँ 100-200 या फिर 500 रुपये आप दे दो मेरे को और ये फूड रख लो। तो ऐसा कभी मत करना, जब भी आप किसी को दो तो उसके सामने ही फुल पैकेट ऐसे लेके जाना, पूरा पैकेट, और उसके सामने खोल के उसको दे देना कि यार मैं मेरी सेफ्टी के लिए ये खोल रहा हूँ, आपको देना जब भी देना, क्योंकि कुत्ते हैं यार, कभी ना कभी तो खाएंगे, ऐसा पड़ा तो रहेगा नहीं, है ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जैसा आपको सही लगे, बाय बाय, पैसे नहीं देने।
बच्चों को दूध ही नहीं पिला रही है।